वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। तो फ्रेंड्स, इसके हमने 7 लेक्चर बना लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे पहले, आप वो देख लें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, आए हैं पहली बार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, तो कल जो हमने डिस्कस किया था उससे आगे डिस्कस करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, कह सकते हैं कि कंक्लूजन है ना, लास्ट में जो रिमार्क देते हैं उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं, पोस्ट मतलब आफ्टर और स्क्रिप्ट जानते हैं आप, लिखना है बाद में लिखना। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं आज हमारा, देखो वाया, आपने देखा होगा वाया है ना, के द्वारा, बाय वे ऑफ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा ऑबिएट, मीन्स टू अवॉइड। ओके फ्रेंड्स, सारे जो वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आप रूट वर्ड को समझ लेंगे तो सीधी सी बात है कि आप बहुत सारे जो वर्ड आप जो जिनसे अनजान हैं उनको भी आप लोग एक हिसाब से समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओबिएशन। ये फ्रेंड्स जो हमारा ओबिएट है उसका ये नाउन है, ओबिएशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा ट्राइवियल। आप जानते हैं ट्राइवियल इजी वर्ड है, सुन रखा होगा आपने। और ये बना कैसे है, ट्राइवियल देखिए ट्राई से बना है, और ट्राई जानते हैं आप लोग, थ्री होता है, जैसे ट्राईपोड है ना, है ना, और ट्राई सेट है ना। जितना भी अगर आपको टी आर आई लगा दिखता कहीं पे भी, तो समझ जाइए कि ये इसके तीन मतलब कोई दिशा होंगी है ना, ट्राई डायमेंशन कैसे कह लीजिए, मतलब जहाँ भी आपको टी आर आई दिखता है तो समझ जाइए है ना। लेकिन ये बना कैसे है, ट्राई प्लस वाया से बना है। वाया जानते हैं आप लोग क्या होता है, वे या फिर रीड। तो फ्रेंड्स, ये इजी वर्ड आप जानते हैं, जिसको जिसकी तीन तीन तरीके हों, मतलब उसका जो माइंड स्थिर ना हो है ना, उसे कहते हैं ट्राइवियल, मतलब तुच्छ होता है ये। जो आदमी किसी की मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है, अनइम्पोर्टेंट कह लीजिए, उसे कहते हैं ट्राइवियल। फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड हमारा ट्राइविया, इसका ही नाउन है ट्राइवियल का। अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, मिलिटेट। मिलिटेट क्या, एक वर्ब है वैसे तो, और ये देखिए मिलिटस से बना हुआ है, MILITIS, मिलिटस। और फ्रेंड्स, राइटिंग थोड़ी सी मतलब कि कह सकते हैं क्या का ग्राफी है, हमारी जो राइटिंग है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा। फाइटिंग मैन, जो हमारा मिलिटेट होता है वो क्या होता है, फाइटिंग, जो फाइटिंग करता है, लड़ाई करता है, उसे कहते हैं मिलिटेट। अब इसी से ही बना हुआ हमारा नाम है मिलिटेंट। जानते हैं आप लोग मिलिटेंट कौन होता है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी सामाजिक कम्युनिटी के खिलाफ जो लड़ता है उसे कहते हैं मिलिटेंट, उग्रवादी होता है। इजी वर्ड आपने सुन रखा होगा। और दूसरा वर्ड क्या है, इसी से बना हुआ है, इसी रूट पे बना हुआ है, मिलिट्री से बना हुआ है, वो आपका मिलिटेनी या फिर मिलिट्री। मिलिट्री फ्रेंड्स हमारा क्या है, जो आर्मी है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है हमारा, मैलस है। और फ्रेंड्स, जो मैलस हमारा जो रूट वर्ड है वो कैसे काम करता है, जो मैलस है फ्रेंड्स वो काम करता है, इसका मतलब है बैड या एबल। ओके, देख पा रहे हैं आप लोग, बैड या एबल मतलब बुराई। अब जो मैलस का नाम, जो मैलस है वो बुराई है, तो सीधी बात है इससे जो वर्ड बनेंगे वो बुरे ही होंगे, जो हमारा रूट वर्ड ही जो बुराई दिखा रहा है ना। तो देखिए मेलाइन, MALIGN, मेलाइन, ये इसमें जी साइलेंट है, पता नहीं, इसे नॉलेज में जी साइलेंट है, उसमें डी साइलेंट है। तो मेलाइन होता है फ्रेंड्स डिफेम, हानिकारक, मतलब जो इजी वर्ड है मैलान, हानिकारक कह लीजिए है ना। तो अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है मैलान से, इसी वर्ड बना हुआ है, मैलान भी हमारा नाउन भी है, सॉरी मैलान जो हमारा क्या है, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए मैलाइनेंट, ये फ्रेंड्स एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है फैटल। जानते हैं आप लोग इजी वर्ड है, फैटल आपका होता है घातक, टेरिबल कह सकते हैं। बट ना फ्रेंड्स, आप की रूट को समझिए, बहुत इजी रहेगा समझना, मेरा मानना यह है, की रूट पढ़ लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, तो बहुत सारे वर्ड आप इजीली समझ जाएंगे, बहुत सिंपल होता है समझना। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आगे, देखिए फ्रेंड्स जो हमारा ये की रूट है जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारा ये की रूट है फ्रेंड्स, ये जो हमने बात की मैलस, ये मैलस को हमने देख लिया कि बैड दिखा रहा है ना। तो देखिए आगे जो सारे बहुत सारे वर्ड बनेंगे इसी रूट पे, देखिए मेलेडिक्शन, मैलस से बना हुआ है प्लस डिक्शन से बना हुआ है। और फ्रेंड्स मैलस होता है आपका बैड या इवल, और डिक्शन होता है आपका से, तो मैलेडिक्शन हो गया आपका अभिशाप, कर्स कह लीजिए, कर्स। बैन भी होता है, बी ए एन ई, ठीक है,
बून नहीं होता है, बून होता आपका आशीर्वाद होता है आई मीन, लेकिन बेनेट ये क्या आपका बी एन वाला बेन है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना क्या है, मेलेडिक्टरी। देखिए ये जो वर्ड है हमारा फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव एसी का। ओके फ्रेंड्स, एडजेक्टिव एस का। और अगला वर्ड बना हुआ हमारा फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेलवोलेंट है, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, ईर्ष्यालु। और ये बना हुआ है मेलस प्लस वॉलो से, और वॉलो फ्रेंड्स हमारा जो रूट वर्ड है, देखिए इसका मतलब क्या होता है वॉलो का, वी ओ एल ओ, इट मीन्स होता है फ्रेंड्स विश या विल। जैसे मान लीजिए कि मेरी आपकी कोई विल है, वो वॉलो हो गई, ठीक है। तो ये रूट वर्ड को समझिए आप लोग, बहुत ईजी हो जाएगा समझना आपको। देखो एक तो देखो आपका मेलस तो क्या है, बुराई है, और वॉलो मतलब इच्छा है, तो बुरी इच्छा क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु, जो किसी से चिढ़ता हो, है ना, कोई अच्छा काम कर रहा है और उसे जल रहा है कि भाई ये तो है ना प्रवर्श कर रहा है, ये तो भाई अधिकारी बन जाएगा, ये तो ऑफिसर बन जाएगा, कोई तैयारी कर रहा है कुछ की और दूसरा वाला चिढ़ रहा है देख के उसे, तो ये हो गया हमारा मेलवोलेंट। ओके फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, मेलवोलेंस। अब फ्रेंड्स ये इसका एडजेक्टिव है मेलवोलेंस का, लास्ट में अगर आपको सी दिखता कहीं पे भी, मोस्टली सी दिखता है तो चांसेस रहते हैं, या फिर ओ यू एस दिखता है, चांसेस रहते हैं वो आपका एडजेक्टिव होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा इसी वर्ड पे बना हुआ है, मेलस पे बना हुआ है, और मेलस आप जानते हैं फ्रेंड्स होता है क्या, मेलस आपका जानते हैं आप लोग क्या होता है, ये बुराई होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मेलिफिसेंट क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है डूइंग इल, बुरा करना। ओके फ्रेंड्स, डूइंग इल। और नेक्स्ट वर्ड बना हुआ है मेल पे, मेल फैक्टर। अभी ये फ्रेंड्स क्या है, रॉन्ग डूअर, मतलब जो इसमें क्या है नाउन है, जो गलत काम करने वाला उसे कहते हैं मेल फैक्टर। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, मेलेफेक्शन, ये आपका नाउन है, इसी का ही अ क्राइम। अब देखिए फ्रेंड्स, मेल जो हमारा जो मेलस जो हमारा जो रूट वर्ड है उसको समझिए आप लोग, उससे बन रहा है ये वर्ड, है ना, ये जो वर्ड दिखाता है इविल या बुराई को, है ना, तो इविल बैड कह लीजिए, इविल एक ही बात है। तो फ्रेंड्स ये जो की रूट है उसको पकड़िए आप लोग, मतलब कि देखो मेलस से हमने बहुत सारे वर्ड 10-12 वर्ड तो हमने सब सीख लिए हैं। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स बना हुआ है ऐसे ही, मेलाड्रॉइट। अब देखो मेला प्लस ड्रॉइट, जानते हैं आप लोग, जो कि बुरा है ना हो, भद्दा हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, मेलाड्रॉइटनेस है, ये इसका नाउन है, आप कंफ्यूज ना हो, जहाँ भी आपको एन ई एस लगा दिख रहा है लास्ट में, है ना फ्रेंड्स, और वाई आ रहा है, और हुड आ रहा है, और डम आ रहा है, मोस्टली फ्रेंड्स वो नाउन रहता है, और वो नाउन भी कौन सा रहता है, अवेस्टिक नाउन रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ रहा होगा आपके आराम से। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मैलेस है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स डिसीज। अब ये बना है उसी वर्ड पे बना हुआ है। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा मैलस, जानते हैं आप लोग बैड होता है, लेकिन इसी का अगर हम एंटोनिम देखें तो बोनस होता है फ्रेंड्स। बोनस आप कहीं अगर बोनस आपको लगा देखिए कहीं पे, तो मान लीजिए वो अच्छा ही है, या कहते गुड, तो दोबारा सुन लीजिए, मेलस जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है, बुरा है, बुराई दिखाता है, और जो बोनस है बी ओ एन यू एस, ये दिखाता है गुडनेस या गुड अच्छाई, उसका एक और मतलब होता है बी ई एन ई, है ना फ्रेंड्स, नॉट बी ए एन ई। देखो बी ए एन ई तो आपका नेगेटिव वर्ड है, रूट वर्ड है, और अब बी ई एन ई आपका क्या है, पॉजिटिव रूट वर्ड है, ये ध्यान रखना आपको, जहाँ पे आप लगता है कि बी एन ई आता तो मान लीजिए पॉजिटिव रूट वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा बेनिनेंट, तो ये क्या होता है, गुड नेचर, मतलब काइंड। देखो बेनी से बना हुआ है, बी ए एन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका अच्छाई, गुड, ठीक है। तो देखिए आप ना की रूट को समझिए, की रूट समझेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। देखिए ये जो वर्ड है हमारा बेनी है ना, इसको समझिए, और इससे बनने वाले जो सारे वर्ड वो क्या हमारे, वो हमारे पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, मेला डिक्सन, पढ़ चुके हैं आप लोग, कर्श है, और इसी का हमारा अगर पर्यायवाची देखें तो क्या है, बेनेडिक्शन है। देखिए कितना अंतर है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, देखो ये रहा आपका ये जो वर्ड ऊपर सिलेबस में दे रखा पेज में, क्या मेलेडिक्शन, लेकिन इसका जो उल्टा वर्ड क्या है हमारा, बेनेडिक्शन। देखो चेंज क्या हुआ है फ्रेंड्स, बस बी ई एन ई चेंज हुआ है, बी ई एन ई, और यहाँ पे क्या है एम ए एल ई, ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रूट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, मेलेफैक्टर, आप ऊपर देख रहे हैं रॉन्ग डूअर है, और जो बेनिफैक्टर वो क्या है, अच्छा ड्यूर है, ड्यूर जानते करता। तो जहाँ आपको लगे कि बी एन ई आ रहा है तो समझ जाइए पॉजिटिव वर्ड है, है ना, और एम ए एल ई आता है तो ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका नेगेटिव रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बुराई है, ईविल। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखिए मेलेवोलेंट,
आप जानते हैं हिंसक होता है ना, मेलेवोलेंटिक, मेलेवोलेंट जानते हैं आप लोग, है ना। और ये देखो आपका बेनेवोलेंट मतलब वेलविशर, अच्छा अच्छी विश करने वाला होता है। और मेलेवोलेंट क्या होता है, चिढ़ने वाला होता है, जो चिढ़ता किसी से, अभी हमने डिस्कस किया था ये वर्ड। अब फ्रेंड्स अगला जो हमारा की रूट है वो देखिए अब क्या है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या है, बौना, बौना। और बौना फ्रेंड्स क्या होता है, बौना होता है गुड, बी ओ एन ई, बौना मतलब गुड होता है फ्रेंड्स। और फाइड जो है हमारा क्या है, वो फेथ होता है ना। और बौना फाइड हमने जोड़ी तो क्या हो जाएगा, रियल, जेन्युइन, ये जेन्युइन है देख लेना एक बार, जेन्युइन इसका जी ई एन यू आई एन ई, जेन्युइन जानते हैं। लेकिन आप रूट से समझिए, वैसे तो आप जानते हैं, आप बहुत सारे वर्ड को जानते होंगे अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, तो ऑफिशियली आप जानते होंगे, लेकिन आप रूट वर्ड को समझिए। हमारा एक ही मोटो है, रूट वर्ड को समझाना आपको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा फिडेलिटी, ये होता है वफादारी। और उसी बन किससे बना हुआ फ्रेंड्स, जो फाइड है हमारा वो रूट वर्ड है ना। तो फाइड मतलब क्या होता है, फेथ होता है। तो ये हो गया आपका फेथफुलनेस, वफादारी। नेक्स्ट हमारा रूट है फ्रेंड्स फिडो। और फिडो मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, फिडो मीन्स होता है आपका डॉग। और डॉग कैसा होता है आप जानते हैं फ्रेंड्स, कैसा होता है फ्रेंड्स, डॉग होता है एक फेथफुल एनिमल होता है, क्रिएचर होता है, आप सब जानते हैं, कहते हैं ना डॉग बहुत, कुत्ता, कुत्ते बहुत वो होते हैं वफादार, है ना, सच्चाई है। रियरली कहीं कहीं इसका एक्सेप्शन मिलता है, बाकी तो कुत्ते वास्तव में वफादार ही होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा इनफाइडल। अब देखिए फ्रेंड्स हमने बात की थी पहले, अगर इन मिल जाए, इन क्या फ्रेंड्स आपका नेगेटिव है, इसका मतलब होता है नॉट, इन और ए, और अन आप जानते हैं, डिस जानते हैं आप लोग। आप नेगेटिव रूट वर्ड को समझ जाइए कि तुरंत ही वो क्या रहेगा, आपका वर्ड नेगेटिव रहेगा। और ऑप्शन जब चार होंगे तो आप जान जाएंगे भाई कोई ना कोई तो उसमें नेगेटिव वर्ड रहेगा रहेगा, और आप तुरंत ही टिक मार देंगे ऑप्शन को देखते ही। ओके फ्रेंड्स, तो इनफाइडल क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है अनफेथफुल। अब देखो जो फाइडल हमारा जो वर्ड है वो फेथ है, और उसमें नॉट लग गया तो क्या हो गया, जो फेथफुल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जो फेथफुल नहीं है उसे क्या कहेंगे हम लोग, अनफेथफुल कहेंगे। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग केवल रूट वर्ड को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, रूट वर्ड से ही हमारे नए नए वर्ड हमें मिल जाने हैं, जो हमें वर्ड हमने कभी देखा भी नहीं है हम उसे भी पहचान लेंगे, है ना, और अपने आप ही गेस करेंगे, अज्यूम करेंगे कि इसका मतलब ये हो सकता है और वो ही होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगला वर्ड हमारा रूट वर्ड क्या है, डिक्टस या डिको कह लीजिए फ्रेंड्स। देखो डिक्टस क्या करता है, इसका मतलब होता है टू से, ये टू टेल। ओके फ्रेंड्स, तो अगला वर्ड देखिए इससे बना हुआ है, देखो डिक्टस आपने समझ लिया क्या होता है, टू टेल या फिर से। अब आगे जहां आपको डिक लगा मिल जाए तो मान लीजिए कि ये आगे पीछे, तो मान लीजिए कि ये रिगार्डिंग कुछ कह ही रहा है। अब देख फ्रेंड्स, डिक्टेट आप जानते हैं बोलकर लिखना, है ना, कहते हैं ना डिक्टेशन, जैसे क्लास में मैडम कराती हैं जब एलकेजी या फिर सॉरी एलकेजी नहीं, वन फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैडम जब मैम या सर कराते हैं ना वर्ड मीनिंग लिखवाते बच्चों को, कहते हैं डिक्टेशन। तो हमारा डिक्टेट क्या होता है, बोलकर लिखना। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रेडिक्ट। अब देख कैसे बना है प्रेडिक्ट आपका, प्री से बनाए प्लस डिक्टस से बनाए। अब देखिए जानते हैं प्री क्या होता है फ्रेंड्स, पहले, और डिक्टस होता है आपका बोलना, तो पहले ही बोलना। अब जब पहले बोल देंगे आप लोग कि भाई वो तो सेलेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये वर्ब है, ये क्या आपका फ्रेंड्स, ये वर्ब है। ओके, वर्ब है ये, और आपका जो इसी वर्ब से बना हुआ क्या हमारा, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन ये होता है आपका नाउन, जैसे कि माई प्रेडिक्शन विल बी राइट, मेरी जो भविष्यवाणी है, जो मेरी पहले जो मैं कह रहा हूँ वर्ड वो ठीक है, सही होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसके और ही वर्ड जानते, और ही वर्ड हैं, जैसे फोर टेलिंग हो गया, प्रेग्नोसिस हो गया, है ना, और ही वर्ड हैं जो प्रेडिक्शन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, डिक्टाफोन। और ये बना है डिक्टस से, आप जानते हैं मतलब क्या होता है इसका, टू से होता है, और फोन जानते हैं साउंड होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा कॉन्ट्राडिक्ट। फ्रेंड्स इजी वर्ड है आप जानते हैं, लेकिन समझिए रूट वर्ड पे कैसे बनता है। कॉन्ट्रा आपका होता है अगेंस्ट, समझ में आया, कॉन्ट्रा अगेंस्ट, और डिक्टस आपका जानते हैं आप लोग टू से, मतलब खिलाफ बोलना। अब सीधी बात है, अगर कॉन्ट्राडिक्ट है तो खिलाफ बोलना ही हो गया, कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट और डिक्टस मतलब बोलना, तो खिलाफ बोलना है ना, अगेंस्ट बोलना, तो हो गया आपका किसी की बात को खंडन करना, है ना, किसी का अपोज करना। ओके फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा एडिशन, एडिक्शन। फ्रेंड्स देख कैसे बनाइए, एड से बना हुआ है, एड जानते हैं आप लोग टूवर्स होता है, प्लस डिको मतलब बोलना होता है, ठीक है, एडिशन, एडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा फेसियो, हमारा जो रूट वर्ड है उसको देखते हैं, फेसियो क्या होता है, फेसियो मतलब फ्रेंड्स होता है
मेक, और एक और हमारा रूट वर्ड है ऑरी, ऑरी होता है प्लेस। अब देखिए अगर आपको कहीं पे फेसियो मिल रहा है या फैक्टर्स मिल रहा है, दोनों का मतलब एक ही बात है फ्रेंड्स, मेक। अगर आपको ऑरी मिल रहा है तो होता है आपका प्लेस, है ना। बहुत सारे हमने डिस्कस करेंगे आगे, कुछ वर्ड आने वाले हमारे। अब देखिए जो हमारा ये वर्ड है फैक्ट्री, ये जो बना है फैक्टर से बना हुआ है और इसका मतलब होता है फैक्टर प्लस ऑरी। हम जानते हैं जहाँ पे कुछ बनता हो उसे कहते हैं फैक्ट्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर। अब देखिए आपने ये जो रूट वर्ड, अगर आपने लेक्चर पहला देख रखा है आप जानते हैं ये जो वर्ड है MANUS, मैनस मतलब होता है फ्रेंड्स हैंड। क्या होता है MANUS, मैनस क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है हैंड। और हैंड प्लस फैक्टर्स, फैक्टर्स मानते हैं आप जो जानते हैं क्या होता है टू मेक। अब जो हाथ से बनता है उसे कहते हैं, जो हाथ से बनाता है उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर। आप जानते हैं जो जो कि कोई कुछ प्रोड्यूस कराते हैं कंपनी में, जैसे मैंने जैसे कोई किसी की वजह से उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर, है ना, भाई ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला देखिए एक सफिक्स है FY, और फ्रेंड्स इसका मतलब भी क्या होता है मेक होता है, टू मेक होता है। अगर आपको कहीं FY लगता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, ज़्यादातर वो होता है टू मेक FY का भी। और आपका फैक्टर जानती है वो तो होता ही है मेक करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, देखिए आप समझ पा रहे हैं इजी वर्ड है, लगता है आपको ऐसा टफ नहीं है, आपको बहुत सारे वर्ड आते भी हैं, लेकिन देखिए रूट को समझिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा लिक्विफाई, लिक्विड से बना हुआ है फ्रेंड्स, लिक्विड जानते हैं आप लोग, है ना, द्रव होता है ना। जब हम लिक्विड में फाई लगा रहे तो मतलब द्रवित करना, मतलब किस चीज़ को, ठीक है। फ्रेंड्स अगला वर्ड देखिए मैग्नीफाई, और फ्रेंड्स ये जो मैग्नस से बना हुआ है, और मैग्नस मैग्नस का मतलब जानते हैं आप लोग एक विशाल होता है ना, तो विशाल जो मैग्नीफाई मैग्नीफाई हो गया टू मेक लार्ज, है ना, टू मेक लार्ज उसे कहते हैं फ्रेंड्स मैग्नीफाइज। ओके फ्रेंड्स तो समझ में आ रहा होगा, अगर डाउट रहे तो आप मुझे एक बार बता दी बोलिएगा, फिर हम जो भी समस्या होंगी जो भी एरर होंगी उसे हम ठीक करते हैं फिर से। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा इसी पे बना एक और नया रूट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स, देखिए ये क्या हमारा वॉलो। ओके फ्रेंड्स एक मिनट देख लेते हैं, वॉलो है फ्रेंड्स, और वॉलो कैसे बना है, वॉलो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विल। तो फ्रेंड्स जो वी ओ एल ओ जो वॉलो है हमारा रूट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विल होता है, विल या इच्छा, आई मीन जानते हैं हिंदी में तो इच्छा ही कहते हैं, विल या विश कह लीजिए। और जहाँ भी आपको फ्रेंड्स जहाँ भी आपको लगे कि वी ओ एल आ रहा है तो समझ जाइए कि ये रिगार्डिंग विल या विश के बारे में कुछ कह रहा है वर्ड, और आप तुरंत ही टिक मार देंगे। जहाँ भी आपको दिखता है कि वॉल, कहीं भी आपको दिख रहा है वॉल, तो आप जान जाएंगे आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लग के आ रहा है, तो आप जान जाएंगे रिगार्डिंग इच्छा के बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है। वो इच्छा बुरी अच्छी या कैसी भी हो सकती है, नाउन प्रोनाउन सॉरी नाउन एडजेक्टिव हो सकती है, प्रोनाउन नहीं होता सॉरी। देखिए फ्रेंड्स वॉलंट्री, अब फ्रेंड्स ये जो वर्ड है वॉलंट्री आप जानते हैं अवेयरनेस से, और लेकिन वॉलो से बना हुआ है ना, जो स्वयं काम करता है ना उसे कहते हैं वॉलंट्री। खुद से कोई अच्छा काम करता है, अपनी इच्छा से काम करता है उसे कहते हैं, और इसका जो उल्टा वर्ड है इनवॉलंट्री, इसका जो एंटोनिम्स है। फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है वॉलिशन, ये इसका नाउन है वॉलंट्री का ही, जो दिखाता है विल पावर को। और फ्रेंड्स ये जो हमारा ये देखिए आप लोग प्लेस है ना, प्लेक सॉरी प्लेक है, प्लेक PLAC प्लेक। फ्रेंड्स ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, प्लीज करना होता है या फिर सूद करना होता है, मतलब खुश करना या मनाना या फिर किसी को सूद करना, सांत्वना देना, सॉलिस करना। ओके फ्रेंड्स तो देखिए हमारा जो प्लाकेट है, ये जो वर्ड बना है ये बना है, इसका मतलब होता है शांत करना, राजी करना, प्लाकेट। आप जानते होंगे PLACATE प्लाकेट मतलब टू सूद समवन। ओके फ्रेंड्स तो प्लाकेट शांत करना होता है या राजी करना होता है, तो इसी का जो हमारा नाउन है प्लाकेशन है। ओके फ्रेंड्स और इसी का जो हमारा एडजेक्टिव क्या है, प्लाकेटिव है। देखिए आप ऐसे समझिए, आप लोग ना कंफ्यूज, आप लोग ऐसे समझिए कि ये नाउन इसका ये है, एडजेक्टिव इसका ये है, तो बहुत सारे वर्ड अपने आप याद होंगे। ओके फ्रेंड्स अगला वर्ड देखिए प्लाकेबल है ना, ये होता है फ्रेंड्स फॉरगिवेबल। ओके फ्रेंड्स इसका जो उल्टा वर्ड है इम्पैकेबल है, जो होता है हार्स है ना, श्रिल कह सकते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा फ्रेंड्स प्लेसिड, रूट वर्ड समझिए प्लेसिड क्या मतलब क्या होता है, काम या इजी गोइंग।
चाबी आपको प्लस टू दिखता है कि मान जाइए समझ जाइए कि काम है शांत करना। ओके फ्रेंड्स अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट। ओके फ्रेंड्स, प्लासिड मतलब होता है शांत करना, और देखो कंप्लासेंट मतलब संतुष्ट करना, किसी को सेटिस्फाई करना। कॉन्डोन, कॉन्डोन फ्रेंड्स होता है फॉरगिव करना, माफ करना किसी को। ओके डॉन जो हमारा डोनो जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू गिव, ये हमारा रूट वर्ड है। देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब होता है गिव करना। ओके तो फ्रेंड्स जो गिव है, गिव करना, देखो डोनो मतलब होता है गिव करना। ओके तो इससे बना हुआ अगला हमारा वर्ड क्या, डोनर है। ओके डोनर मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो डोनो है मिस गिव होता है, और डोनो से बना है डोनर, दान करने वाला। और आप ये भी जानते हैं डोनेट भी दान करना होता है ना, डोनेशन जानते हैं आप दान होता है। तो कंडोशन मतलब ये सारे वर्ड क्या है उसी से बने हुए हैं, डोनो से। डोनो जानते हैं फ्रेंड्स आप लोग क्या होता है, अब जान गए होंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो वैसे तो इजी वर्ड सारे जानते हैं आप लोग, डोनर वगैरह सारे जानते हैं, है ना। ओके फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स को अपने स्टूडेंट को शेयर कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो। लेकिन अगर ये अपने वीडियो सारे नहीं देखे तो पहले आप वो देख लें, पहले वाले वीडियो जरूर देख लें, तभी समझ में आएगा अच्छे से, और ठीक भी रहेगा, आपकी जो वॉकअप है वो इम्प्रूव होने वाली है, ये हमारा ही विश्वास है। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।